my recorder. They wanted to know how the Shivratri started. What is the significance? See, there are several stories. But whenever you worship a Lord, it has to have a very large comprehensive purpose. यदि आप कहीं भी किसी भगवान के लिए कोई आप त्योहार बनाए उसके पीछे बहुत बड़ी सी एक पर्पस होती है जिससे कि सारी दुनिया को वो मिलना चाहिए उसका फल. सो शिवरात्रि के दिन जो शुड बी कनेक्टेड विद भगवान को पाना वही हमारा सबके बड़ी गोल नहीं उसी के लिए हम सारी जीवित रहते हैं. सो उसमें ये कैसे ये शुरू हुआ उसके साथ उसका क्या संबंध है. सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि चार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे. वो रोज शिव जी के पास जाते थे और कुछ ना कुछ पूछते थे ये आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है इन दोनों का क्या रिश्ता है. ये जीवात्मा कहते हैं फिर आत्मा कहते हैं और फिर प्रतीगात्मा कहते हैं ये सब क्या है कूटस्थ कहते हैं ये सब क्या क्या है ये क्या इतनी इतनी आत्मा है क्या एक ही आदमी के अंदर इस तरह करके पूछते थे. रोज उसका वो जवाब देते थे. अगले दिन ये जो रिप्लाई किया उसी में से फिर वो उनसे कोई सवाल पूछते थे. इस तरह करके 364 दिन रोज ये क्वेश्चन पूछते रहे उनसे वो करते रहे. अच्छा फिर ये एक दिन आया वो था अमावस्या का एक दिन पहले देर इज 14वां तिथि 14 की क्या विशेषता है. हमारे मन जो है इसका कंट्रोल करने वाला मून है चंद्र है. चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य जायता ये पुरुषोक्त में आता है. सो इसीलिए लूना इंग्लिश अंग्रेजी में लूना कहते हैं. लूना मीन्स मून उसको कहते हैं. लूनेटिक कहते हैं पागल लोगों को क्योंकि उनका मन जो है इसके मुताबिक वो चेंज होता रहता है. ये जितने भी पागलों का सेलम है वहाँ जाकर देखिएगा जो उनका आचरण जो अमावस्या होता है उसके बिल्कुल उल्टा होता है पूर्णिमा का. ये हमेशा है. सो यदि उनके पूर्ण रूप हो 15वां कल है उस दिन जाकर किसी से हम भगवान के बारे में हम जानना चाहते हैं तब आपके अंदर वो जाएगा नहीं. ये इतना बड़ा वेव है वो अंदर जाएगा नहीं क्योंकि चंद्रमा की 14 कला जो है उसको कबलीकरण कर देगा. सो आपके अंदर उसको जाने नहीं देगा. सो इसीलिए ये पौर्णमी के पहले वाला 14वां तिथि में अमावस्या के पहले 14वां तिथि में उसका बिल्कुल खत्म हो गया. एक ही कला बाकी है. थोड़ा सा तो चाहिए माइंड तो चाहिए ही हमें उसका पूरा जीरो भी नहीं कर सकते हैं. सो उस दिन जो है हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है सो भगवान के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए. अच्छा जब 365वां दिन जब ये लोग गए शिवजी के पास शिवजी से कुछ पूछे शिवजी ऐसे ही बैठ गए दक्षिणामूर्ति के रूप में बैठ गए. ये चारों बैठ गए वो सोच रहे थे कि अभी कुछ कहने वाले हैं. एक घंटा हुआ दो घंटा हुआ सब लोग ध्यानमग्न हो गए. वो भी ऐसे ही रहे. इनको देखकर कई महात्मा लोग जो आए सब बैठ गए वहाँ पर. सो सारी रात्रि उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पर बस भगवान के साथ ही बैठे रहे. और ये होते ही उनका पूरा वेदांत का बोध भगवान ने मौन से ही उनको सब कह दिया. सबके अंदर जो है कि भगवान का साक्षात्कार हो गया सारे के अंदर. सो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए शिवरात्रि है जिस दिन सारी वेदांत प्रक्रिया का बिगिनिंग उसी दिन हुआ. नहीं तो हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं होगा भगवान को पहचानने का मार्ग ही नहीं मालूम होगा. इसी से ये सब हुआ. इसीलिए हम कहते हैं दक्षिणामूर्ति समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा. हम उस गुरु परंपरा को हम वंदन करते हैं जिसमें जो पहले पैर इसको शुरुआत किए शंकर जी दक्षिणामूर्ति के रूप में फिर उसके बाद बीच में आए शंकराचार्य वो उसको जरा अच्छी तरह समझाइए और आखिर में मेरे गुरुदेव आइए वही मुझे समझाइए इन इन इस सारे परंपरा को हमारी नमस्कार हो. इस तरह करके यही उसकी असली हुआ. बाकी कई कई कथा होगी ये शिवपुराण में भी कुछ होगा पता नहीं.